ये डबल बेड, ये पहले कमरा एंट्रेंस में आपको ये दिख जाता है, ये डबल बेड यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ चेयर्स ये बीच में, ये वो है जो भी बोलते हैं सर। ये दूसरा कमरा छोटा सा, दो बेड, एक एक डेस्क, काफी छोटा सा वॉशरूम, वॉशरूम सही में छोटा छोटा है। तो इस तरह का कुछ रूम है, गीजर वीजर भी लगा है, एसी भी है। और ये है धर्मशाला में, धर्मशाला का नाम है काली कमली वाला। ये रूम हमें मिला है 900 रुपये में, बाकी 6 बेड वाला यहाँ पे 1100 में है और 2 बेड वाला शायद 700 रुपये में। चलिए अब निकलना है सुबह 5 बजे हमको, अभी करते हैं बंद। इसी केस से कल हम निकलेंगे उत्तरकाशी, राधे राधे। सुबह के 4:30 बज गए। तो भाई अभी हमको अभी अभी एक नई चीज़ पता लगी है, बताओ। अभी अभी रियलाइजेशन हुआ कि हम स्ट्रिप पे बहुत लाइटली आ गए। हम मतलब गर्म कपड़े लेके नहीं आए, जो गर्म कपड़े लेके आए वो कल ये मुरादनगर से थोड़ा सा आगे आते ही निकल आए हमारे, और हमें गंगोत्री तक जाना है। तो गर्म कपड़ों के नाम तो कुछ ये थे हमारे पास, ये बागी बागी जो पहने हुए। अब देखते हैं कैसे चलेगा। और ये आ गए हम घाट पे, सुबह के बज रहे हैं 6। भीड़ बहुत कम है, है जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा, वाराणसी जो है जो वो लीन हो जाएगा, जल में डूब जाएगा, तब भगवान शिव अपने पूरे परिवार सहित इस मंदिर में आकर विराजमान हो जाएंगे। इस मंदिर में एक स्वयंभू शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई लगभग 56 सेंटीमीटर है और वो दक्षिण की ओर झुका हुआ है, और उसमें भगवान गजानन और पार्वती शिवलिंग के सम्मुख विराजमान भी हैं। और इनका दक्षिण की ओर झुकने का कारण ऐसा बताते हैं कि मार्कंडेय ऋषि जो थे उनकी अल्प आयु थी, जिसकी वजह से जब उन्हें यमराज लेने आए तो वो बचपन से ही इस मंदिर में तपस्या कर रहे थे। जब उनको यमराज जी लेने आए तो वो इस शिवलिंग के चिपक गए। उनकी प्रेम और भक्ति देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमराज को खाली हाथ वापस भेज दिया, जिससे उनकी अल्पायु जो थी वो पूर्ण आयु में परिवर्तित हो गई, और इसलिए ये दक्षिण की ओर झुके हुए हैं।